रहमान रहीम जी, मैं सैयद करार हुसैन डीपीओ लोधरा आप तमाम से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि इस वक्त हमारी पूरी कौम एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रही है, और इस सिलसिले में मैं आप तमाम से चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी कि आप तमाम अपने आप को अपने घरों तक महदूद रखें, घर से निकलने से गुरेज करें। इंतहाई नागुजीर हालात में घर से निकलिए, वो भी सिर्फ उस सूरत में जब आपने कोई बेयर एसेंशियल्स खरीदनी हो, और जब आप घर से बाहर निकलें तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल पे लाजमी अमल करें। फेस मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, दस्तानों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, सैनिटाइजर्स हमेशा अपने पास रखें। और आखिर में मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ जी कि सूबाई हुकूमत ने इस वक्त दफ़ा 144 का निफाज किया हुआ है, उसके निफाज में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी प्रॉपर लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन में बराए मेहरबानी तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज से के साथ आप तआवुन कीजिएगा, पुलिस के साथ तआवुन कीजिएगा। पुलिस आपकी हिफाजत के लिए हमा वक्त सड़कों पर मौजूद है। बराए मेहरबानी हर सूरत में उनसे तआवुन करें, और इंशाल्लाह आप तमाम शहरियों के तआवुन से हम एक महफूज और एक पुरअमन मुआशरा यकीनी बनाने में हम मौसर साबित हो सकते हैं। आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जी, घर पे रहिए, महफूज रहिए।